नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं इंदौर की खास खबरों पर। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी नीता देरवाल ने जनता के बीच जाकर चलाया जागरूकता अभियान। इंदौर के द्वारकापुरी थाना के एक पुलिस कर्मचारी ने महिलाओं के साथ किया अभद्र व्यवहार, इसका खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हुआ। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर में बछड़े का कटा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शव फेंकने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी नीता देरवाल ने जनता के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र में देर रात घर के दरवाजे ठोकने को लेकर लोग दहशत में हैं। थाना प्रभारी नीता देरवाल अपनी टीम के साथ लोगों को जागरूक करने में जुटी है। क्षेत्र में सक्रिय गैंग को पकड़ने एवं उसके चंगुल से बचने के गुर लोगों को सिखा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में देर रात घरों के दरवाजे खटखटाने और बच्चों की रोने की आवाज निकालकर लोगों को बाहर निकालने के लिए विवश करें तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस दौरान बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद थे। इंदौर से आशीष चौहान की रिपोर्ट। इंदौर के द्वारकापुरी थाना के एक पुलिस कर्मचारी ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, इसका खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हुआ। क्षेत्र की महिलाएं किसी मामले में शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, जहां पुलिसकर्मी से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर धक्का देते हुए हड़का रहे थे। द्वारकापुरी थाना TI RNS भदौरिया से जब हमारे प्रतिनिधि द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच करा रहे हैं। पता चला है कि महिलाओं के दो गुट थाने में बहस कर रहे थे। पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को अलग अलग करने पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मी ने उसे वहां से हटाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मी ने गलत उद्देश्य महिलाओं को नहीं हटाया। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर में बछड़े का कटा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शव फेंकने वालों को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर SP, ASP और CSP पहुंचे, शव को हटवाया। SP ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, तब जाकर स्थिति संभली। इधर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लापरवाही पर हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल SP सिद्धार्थ बहुगुणा और ASP मनीष खत्री और CSP SKS तोमर पहुंचे। भाजपा नेता टिंकू ठाकुर ने बताया कि इलाके में कहीं भी बूचड़खाना नहीं है, संवत किसी ने बेवजह माहौल बिगाड़ने के लिए शरारत की है। नाम उजागर हुए हैं जिसमें पूर्व में चंदन नगर के क्षेत्र में गोवंशों की बलि दी गई थी और कुछ नाम ओपन हुए हैं और ये सभी घटना चंदन नगर के अंतर्गत में आती है। SP सिद्धार्थ बहुगुणा जी ने 10,000 का इनाम रखा है और जो भी आरोपी होगा उस पर रासुका के तहत कायमी की जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और आश्वासन दिया है। देश भर के 650 डाकघरों की शाखाओं और 3,250 सेवा केंद्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक शुभारंभ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं इंदौर में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, महापौर मालिनी गौड़, विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित डाक विभाग के अफसरों ने किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर सांसद ने कहा कि पेपरलेस बैंकिंग की ओर भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। IPPB द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन पर देखा गया। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में वार्ड 75 व 77 में पालदा क्षेत्र की कई कॉलोनियों के रहवासियों ने सड़क, ड्रेनेज और बिजली व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रहवासियों ने नगर निगम पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में पालदा क्षेत्र के हिम्मतनगर, कुमार भट्टी, शिव पार्वती नगर, श्रीराम नगर, कमला नगर, मुंडला नायता, गायत्री नगर, संजय गांधी नगर, समता नगर, भावना नगर, पालदा गांव की मूलभूत जन समस्या के लिए सड़क, ड्रेनेज, बिजली और अन्य नगर निगम के तानाशाही रवैये को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रहवासी सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। सोनू पवार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय शांति व एकजुटता संगठन की इंदौर इकाई ने रीगल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विश्व में शांति सद्भाव बनाने की अपील की। अखिल भारतीय शांति व एकजुटता संगठन की इंदौर इकाई ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व में शांति सद्भाव बनाने की अपील की। इस मौके पर वसंत शित्रे, रामबाबू अग्रवाल, श्याम सुंदर यादव, रुद्रपाल यादव सहित संगठन के अन्य लोग उपस्थित थे। और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।